हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हम कटिंग लगा लगा के थक जाता है, कटिंग कट कट के थक जाता है, पर हमारा एक भी कटिंग चल नहीं पाता है, एकदम से सूख जाता है। आज का वीडियो में एकदम से सरल तरीके से आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको कटिंग को लगाना है। इसमें कोई रूटीन हार्मोन का जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल टेक्निक का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 7 दिनों में कटिंग से न्यू प्लांट बन जाएगा। तो सबसे पहले कटिंग लगाने से पहले आपको चुनना है कि प्लांट का कौन सा जगह से कटिंग आप काट करके लगाएंगे, तो आपका जो सक्सेस रेट कटिंग से न्यू प्लांट बनने का सक्सेस रेट 100% रहेगा। जिन्होंने कटिंग लगा रहे हो, बार बार कटिंग लगा रहे हो पर एक भी कटिंग सक्सेस नहीं हो पा रहे है, तो आपको किस तरीके से प्लांट चुनना है देखिए। आज का वीडियो में आपको दिखाऊंगी कनेर का कटिंग किस तरीके से आपको लगाना है। कनेर बहुत ही इजी टू ग्रोइंग प्लांट है और कटिंग से बहुत ही आसान से उग जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने ये कनेर का कटिंग लिया था और बीच में से देखिए इसका आधा जो स्किन है ये निकल गए हैं। तभी भी देखिए ये व्हाइट कलर आप देख रहे पोर्शन, इसमें बहुत ही अच्छा से रूटिंग बन चुका है। और ये देखिए, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो कि रूट बन चुका है, सिर्फ 7 डेज यानी 7 दिन में ये रूटिंग बन गए हैं। कनेर का प्लांट इतना ही आसान है कटिंग से लगाना कि इसमें देखिए मैंने कोई स्पेशल टेक्निक नहीं लिया। अब अच्छे से देखिए, कटिंग को भी मैं सही तरीके से नहीं लिया है, बीच में से आधा स्किन निकल गए। ऐसे ही मैं तोड़ के पानी में डाल दिया था और बहुत ही आसान से इसमें रूटिंग आ गए है। तो जिनके साथ बार बार ये प्रॉब्लम हो रहे हैं कि कटिंग लग नहीं पा रहे हैं, तो आप कनेर का प्लांट से कटिंग लगाने का प्रोसेस शुरू करिए। कनेर यानी ओलियंडर प्लांट बहुत सारा कलर में पाया जाता है। कनेर में बहुत सारा वैरायटी भी मिलता है, जैसे सिंगल पेटल हो गए, डबल पेटल हो गए, देसी हो गए, हाइब्रिड हो गए, ड्वार्फ वैरायटी हो गए। तो कनेर बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट होता है और वास्तु के हिसाब से भी कनेर का प्लांट बहुत ही पॉजिटिविटी हमारे घर पे लेके आते हैं। ये मान्यता है कि जो पीला कलर का देसी कनेर है वो भगवान शिव जी को बहुत पसंद है। सावन का महीना में आपको जरूर चढ़ाना चाहिए पीला कलर का ये कनेर का फूल, और विष्णु जी को भी बहुत पसंद है। और ये भी मान्यता है कि कनेर का प्लांट में लक्ष्मी माता का वास होता है, और व्हाइट कलर का जो देसी कनेर होता है वो लक्ष्मी जी को चराने से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है हमारा घर के लिए, हमारा फैमिली के लिए। तो कनेर जैसा एक बहुत ही पॉजिटिव प्लांट के साथ आप कटिंग लगाने के प्रोसेस शुरू करिए, आपका कटिंग 100% सक्सेस हो जाएगा। पर कनेर के बारे में एक चीज ये भी बोलना है कि कनेर एक पॉइजनस प्लांट भी होता है। तो जब आप कटिंग लगाएंगे कि इसमें प्लांट में कोई काम करेंगे कनेर प्लांट में, तो आप जरूर आपका हाथों का ध्यान रखिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि कौन सा जगह से आपको कटिंग लेना है। देखिए, ये और एक मेरा दूसरा कनेर का प्लांट है, तो इससे आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से आपको कटिंग लेना है। जैसे देखिए एक ब्रांच है, ये जो पोर्शन आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सख्त हो गए है, तो आपको हार्डवुड कटिंग नहीं लेना है, आपको सॉफ्ट वुड कटिंग लेना है। जैसे देखिए ये वाला ब्रांच यहाँ पे जो आपको दिखा रही हूँ ये भी हार्ड हो गए है, और ये जो पोर्शन है यहाँ से तो आपको लेना नहीं है, यहाँ से आप लगाएंगे तो आपका कटिंग सक्सेस नहीं होगा। और ये जो टिप का पोर्शन दिखा रही हूँ देखिए, ये लगभग 3 से 4 इंच का लंबाई में होगा। तो इस तरीके से कटिंग आपको लगाना है तो बहुत ही जल्दी जल्दी इसमें रूटिंग बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो देसी कनेर का बात कर रही थी, मेरे पास एक ही कलर है, ये पीला कलर, ये है देसी वैरायटी का। इसमें बीज भी बनता है, मैं आपको बीज भी इसको दिखाऊंगी कि बीज से भी ये प्लांट उग जाता है। पर सबसे आसान तरीका है आप कटिंग से प्लांट को लगाएंगे तो इसमें जल्दी जल्दी फूल भी खिल जाएगी। काफी फूल खिला है और देखिए ये टहनियाँ टूट गए है, कितना बढ़िया था। देखिए हर ब्रांच में ये कलियाँ भरा हुआ है, तो मेरे से ये टूट गए फ्रेंड्स। तो इसी को कटिंग लगा के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कटिंग लगाना है। तो इतना जो बड़ा एक ब्रांच है इसको थोड़ा थोड़ा कट करके छोटा छोटा कटिंग हमको लेना है,
तीन से चार इंच कटिंग हमको लेना है और बहुत सारा कटिंग इसमें बन जाएगा। और जैसे ही आप कटिंग कलेक्ट करेंगे, कटिंग लेके आने के बाद तुरंत आपको पानी में डिप करके रखना है, नहीं तो मिट्टी में हल्का पानी डाल के आपको गाड़ के रखना है कि कटिंग सूख ना जाए। देखिए, मैं इस ग्लास जार में मैं तीन कटिंग लगा के रखी थी, तीनों में से दो तो सक्सेस हो गए हैं और एक सक्सेस नहीं हो पाए है। मैं सोचा था ये जो सक्सेस नहीं हो पाए कटिंग, तो वो पहले सक्सेस हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा मैच्योर ब्रांच था, पर मैच्योर ब्रांच देखिए ये सर गए हैं। तो थोड़ा तो अभी हरा पोर्शन है, तो मैं उसको अलग से कटिंग करके लगा दूंगी, देखूंगी चल पा रहे क्या नहीं पा रहे। यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। देखिए जो मैंने कटिंग लगाए थे, कटिंग देखिए ऐसे मैं कुछ रेडी करके भी नहीं लगाए, ऐसे जस्ट पानी में डिप कर दिया था और यहाँ से देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे रूटिंग आ गए हैं। तो मैं अभी इसको मिट्टी में लगा दूंगी तो मेरा प्लांट भी बन जाएगा। देखिए कितना सारा पत्ते है, मैंने कुछ भी पत्ते वगैरह हटाए नहीं, ऐसे जैसे मेरे को कटिंग मिला है और कटिंग भी मैं ऐसे ही लेके आई थी, कोई खास अच्छा तरीके से मैं कटिंग को अच्छा से काट भी नहीं करा, ऐसे हाथ से तोड़ के लाई थी। देखिए इसमें भी रूटिंग बन गए हैं। और जो तीसरा है ये अभी देखिए, ये मोटा तो ब्रांच था, मैंने सोचा इसी में ही पहले रूटिंग बन जाएगा, पर ये काला होके एकदम सर गए हैं। इसके साथ जो हरा ब्रांच आप देख रहे हो, तो इसको मैं अलग से काट करके लगाने के लिए कोशिश करूँगी, देखूँगी ये चल पा रहे क्या। और ये जो पानी है, पानी में आप क्या करूँगी, आज जो कटिंग लगा के आपको दिखाऊंगी सीधा मैं मिट्टी पे नहीं लगाऊंगी। तो कनेर प्लांट को सबसे आसान तरीके से आप पानी में ग्रो करिए, जैसे 7 दिनों में ये पानी में इसका रूटिंग आ जाएगा, तो रूटिंग आने के बाद आप मिट्टी पे लगा देंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा से ग्रो हो जाएगा और इसमें जल्दी जल्दी फूल भी आ जाएगा। तो देखिए जैसे टहनियाँ टूट गए थे, मैं ये गीला एक गमला था मेरे पास जिसमें मिट्टी गीला था, गीला करके मैंने इसको गाड़ के रख दिया था कि हमारा ये कटिंग सूख ना जाए। और देखिए ये ब्रांच, कितना सारा ब्रांच इसमें है, तो मैं क्या करूँगी छोटा छोटा टुकड़ा करके लूँगी, आपको ज़्यादा बड़ा कटिंग नहीं लगाना है। और आपको मैंने दिखाई दिया कि ज़्यादा मैच्योर ब्रांच भी नहीं लेना है, इसमें सॉफ्ट रूट जहाँ पे जो ब्रांच आप लेंगे वो नरम होना चाहिए, तभी आपका रूटिंग बहुत जल्दी बन जाएगा। ऐसे हार्ड रूट कटिंग में भी रूटिंग हो जाता है, पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। सॉफ्ट रूट कटिंग लेंगे तो कम टाइम पे आपका कटिंग बहुत ही आसान से बन जाता है। देखिए इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा करूँगी तो काफ़ी कटिंग हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कटिंग आपको लेने के बाद कटिंग का जो नीचे का पोर्शन है ना, थोड़ा सा स्किन को आपको निकाल देना है, तो इससे रूटिंग बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए जैसे मैंने ये ब्रांच लिया है, इसका जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा इसी से ही मैं खुरच के इसमें थोड़ा सा स्किन निकाल देती हूँ, तो इससे रूटिंग और भी जल्दी बन जाता है। और ये देखिए सीड्स, देखिए कनेर का सीड्स अभी मैच्योर नहीं हुआ, थोड़ा छोटा छोटा अभी बनना चालू हो गए एक्चुअली, तो ये जब मैच्योर हो जाता है तो इस सीड से भी बहुत ही आसान से न्यू प्लांट बन जाता है, पर इसमें टाइम लगता है। और फ्रेंड्स ये सीड भी बहुत ही पॉइजनस होता है, तो आपके घर पे छोटा बच्चा भी है, पेट्स भी है, तो उससे ये कनेर का प्लांट को आप दूर रखिए। और ये जो पानी लिया है, पानी आपको 2 से 3 दिन के बाद बाद चेंज करना है, नहीं तो पानी में फंगस लग जाएगा और आपका ये जो कटिंग है ये चल नहीं पाएगा, फंगस के कारण में ये गल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग को रेडी कर लेना है। अब देखिए ये जो मेरा 2 कटिंग रेडी हो गए हैं, देखिए 7 दिनों में इसमें रूटिंग आ गए है, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको दिखा रही हूँ। ये जो देखिए ये रूट बन गए है, और रूट कहाँ बन गए देखिए, बीच में से ये जैसे मैंने पहले भी आपको दिखा दिया, बीच में से आधा स्किन निकल गए, देखिए पूरा निकल गया क्योंकि मैंने ये हाथ से तोड़ा था, तो हाथ से तोड़ने के बजाय ये हो जाता है कभी कभी, तभी भी देखिए अंदर से रूट बन गए हैं। तो इसको दिखाने का एक ही कारण है कि कनेर प्लांट का कटिंग से कितना जल्दी जल्दी और कितना आसान तरीके से ये न्यू प्लांट बन जाता है।
सड़क के किनारे पे, पार्क में, कहीं पे भी आपको कनेर यानी ओलियंडर का प्लांट देखे, आप एक टुकड़ा ले आए, एक से दो टुकड़ा ले आए, उसी से ही आपका सक्सेस रेट हो जाएगा, उसी से ही आपका न्यू प्लांट बन जाएगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीके से दिखा रही हूँ, और आपको नेक्स्ट टाइम आप जब कटिंग लगाएंगे, आप जरूर कनेर प्लांट के साथ ही कटिंग लगाने का शुरुआत करिए। चलिए आप दिखाती हूँ कि ये जो कटिंग में हमारा रूटीन आ गए है, अब हमको क्या करना है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो दो कटिंग मेरा सक्सेस हो गए, मैं अभी मिट्टी यानी सॉइल पे मैं ये दो कटिंग लगा दूंगी। और देखिए ये जो सर गए थे जो कटिंग, तो इसका जो हरा पोर्शन है ना, हरा पोर्शन को कटिंग करके इसको भी मैं अलग से पानी में डाल के देखूंगी कि इसमें रूटिंग आते हैं क्या नहीं। और देखिए ये जो हरा पोर्शन है, ये भी सॉफ्ट वुड कटिंग है, तभी भी देखिए ये काटने में कितना मुश्किल हो रहे है। मतलब इस टाइप का जो आप कटिंग लेंगे ना, जो हाथ से तोड़ा नहीं जा रहे है, देखिए इस टाइप आप कटिंग लेंगे तो आपका कटिंग बहुत ही लेट चल पड़ेगा। ऐसे कटिंग लीजिए आप कि प्लांट से जब आप तोड़ेंगे तो बहुत ही आसान से वो टूट भी जाता है। ऐसी कटिंग लेंगे तो इससे सक्सेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए मैंने इसका शेप दे दिया जो कटिंग ले रही हूँ मैं, और नीचे का पोर्शन थोड़ा हल्का सा इसका स्किन निकाल देती हूँ, जैसे मैंने आपको पहला प्रोसेस दिखाए। तो इसको भी मैं पानी में डीप करके रखूँगी, और जैसे ये इसमें रूटिंग आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा, जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देखिए मैं क्या लिया है, एक पुराना गमले का मिट्टी लिया है, जो मिट्टी में कोई इन्फेक्शन नहीं है। और इसमें देखिए इसमें राइस हस्क भी है, थोड़ा सा कोकोपीट भी है, गार्डन सॉइल है, और फर्टिलाइज़र आप तो कुछ भी नहीं दूंगी। जब भी आपको कटिंग लगाना होगा आप फर्टिलाइज़र उसमें ऐड नहीं करना है आपको। और इसमें मेरा जैसे पुराना गमले का मिट्टी है तो थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र तो रहेगा ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए कटिंग मिट्टी में डालने से पहले आपको मिट्टी को गीला करके लेना है। उसके बाद जैसे पानी बैठ जाएगा नीचे के तरफ, आपको एक होल बना के लेना है। होल बनाने के बाद उसी में आपको कटिंग को लगाना है। तो 7 दिनों के बाद जब आपका कटिंग से थोड़ा थोड़ा रूट्स निकालना चालू हो जाएगा, रूट्स थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा जैसे मैंने आपको दिखाई, तो तुरंत आपको क्या कर लेना है, अब जो प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मिट्टी पे आपको, सॉइल पे आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। तो देखिए जो पानी नीचे की तरफ बैठ गए, अब मिट्टी पे एक होल बना लेना है, और उसी के अंदर ही जो हमारा ब्रांच में रूट आ गए हैं तो उसको गाड़ देना है। इस तरीके से लगाने का मतलब एक ही होगा कि जो रूट्स, छोटा छोटा रूट्स बन गए वो बहुत ही सॉफ्ट है, आप एकदम से सीधा लगाएंगे मिट्टी पे तो वो रूट्स टूट जाएगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका प्लांट में कोई रूट्स टूटेगा नहीं। और इस तरीके से आपको कटिंग मिट्टी पे लगाना है कि कटिंग आपको हिलेगा नहीं। देखिए बहुत ही धीरे धीरे आपको लगा लेना है इस तरीके से। और ये जो कटिंग आप लगाने के बाद, कटिंग को बिल्कुल आपको हिलाना नहीं है, और इसको सुबह का धूप आपको देना है, और मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बना के रखना है। तो आज का वीडियो में आपको दिखा दिया कि कितना आसान तरीके से 7 दिनों में, कोई रूटिंग हार्मोन आपको नहीं चाहिए, कोई स्पेशल टेक्निक आपको नहीं चाहिए, आपका कटिंग किस तरीके से लेना है, किस तरीके से चुनना है, और किस तरीके से उसमें रूट भी बन जाता है, और कटिंग में रूट बनने के बाद आपको गमले में यानी सॉइल में किस तरीके से आपको ट्रांसफर कर लेना है। यहाँ पे और एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये जो कटिंग आप गमले का मिट्टी पे लगाए हो, ये किसी भी हालत में इसको हिलना नहीं चाहिए। ऐसे पानी भी देंगे तो पानी भी आपको धीरे धीरे देना है। अब हमको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लीव्स है, बहुत सारा लीव्स है हमारा कटिंग में, और एक बीज भी देखिए है, तो ये सब हमको कटिंग करके हटा देना है, क्योंकि जितना लीव्स रहेगा तो प्लांट का ग्रोथ जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो जैसे लीव्स को कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा लीव्स तो रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको खाना भी बनाएगा, तो थोड़ा थोड़ा लीव्स को रखिए और मैक्सिमम लीव्स आपको हटा देना है। और कटिंग में कोई सीड भी रह जाए तो वो भी आपको हटा देना है।
तो इस तरीके से आपको कटिंग को लगाना है फ्रेंड्स। हमारा कटिंग लग गए है, आप इसको आपको सुबह का हल्का धूप देना है, इसका जो सॉइल है इसमें हल्का सा नमी आपको मेंटेन करना है, और ऐसे जगह पे आपको गमले को रखना है कि बहुत ही तेज हवा चले तो उस हवा से आपका ये कटिंग हिले ना। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको कनेर का कटिंग को रेडी करना है। 10 से 15 दिन आपका कटिंग एकदम लग जाएगा, न्यू पत्ते भी आ जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग को लगाने के बाद आपका एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर लेना। वीडियो पे कोई कंफ्यूजन है तो जरूर आप मेरे को पूछ सकते हो। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करना। कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।